बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न दे, प्यासे को पानी। दोस्तों बोलो बोल बम। दोस्तों ये देखो, हम पहलगाम के ये जो गेट है यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ से इंटर करके हम लोग आगे आ गए हैं। ये जो आपको ये झरने जैसा पानी दिख रहा है, ये बारिश का पानी है जो पहाड़ियों से इकट्ठा होकर यहाँ आ रहा है। ये बाकी वैसे रियल झरना नहीं है, लेकिन जब भी बारिश होती है तो यहाँ से बहुत ही सुंदर ऐसे ही पानी आता है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और आप सामने देख सकते हो उस साइड में, जो कि बहुत ही सुंदर बर्फ जमा हुआ है पहाड़ी पे, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इस साइड में बिल्कुल हरे भरे पेड़ हैं, जो कि वो भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। और आगे चल के हम हमारा जो बेस कैंप है, जहाँ पे हम रात को स्टे करेंगे, वहाँ पूरी नाइट हम यहीं पे स्टे करेंगे। लंगर लंगर लगा होगा, भंडारा चल रहा होगा, जो कि हम भंडारा खाएंगे और वहाँ पे पूरी रात रुकेंगे। दोस्तों पूरी रात रुकने के बाद मॉर्निंग के टाइम में बाबा भोलेनाथ का नाम लेके जैसे ही गेट खुलेगा, हम आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे, जो कि बहुत ही दिलचस्प और रोचक होने वाली है। क्योंकि वैसे भी कहा जाता है कि श्रीनगर में जो है कि ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है, जहाँ भोलेनाथ बसते हैं। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर, मन को मोह लेने वाला है। मैं अपना सारा काम धाम छोड़ के आया हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे काम घूम का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ना यहाँ पे आने के बाद में ना मन को बड़ी शांति मिलती है। मन को इतनी शांति मिलती है ना पूछो मत। ऐसे ऐसे झरनों की आवाज़ और ऐसे झरनों की आवाज़ है, ऐसे हरे भरे प्राकृतिक का दृश्य, जो कि हम लोगों को और जगह नहीं देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे आके देखने को मिलता है। जो हमारे दोस्त नहीं आ पाए हैं, वो हमारे वीडियो के जरिए इसका भरपूर मज़ा ले सकते हैं, भरपूर आनंद ले सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर है। और हम आगे भी इससे भी बेटर वीडियो बनाएंगे, इससे भी अच्छी अच्छी जगह आपको दिखाएंगे। जय भोलेनाथ।